वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड हिमलैंड्स। एक और सुहाने दिन की शुरुआत गाइस हमारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर हो चुकी है। और सबसे पहले मैं गाइस एक बार चेक करने वाला हूँ कि इस वर्ल्ड की वीडियो मैंने लास्ट वाली कब अपलोड करी थी। ओके, तो इसकी मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी 12 जून को और आज है 17 जुलाई। लिटरली एक महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है। ओके गाइस, तो सच बता रहा हूँ, बहुत टाइम के बाद अपने इस वर्ल्ड में कदम रखे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वहां पर है मेरे दो बिल्लूज, वहां पर है मेरे दो घोड़ूज, वहां पर है मेरा थूक चंद, बट वेयर आर माई कुत्तास, मेरे डॉगीज का व्हाट द हेल। पीछे देखो, इनकी ऐसी की तैसी, कोई मुझे बताएगा जितनी बार मैं एपिसोड को शुरुआत करता हूँ उतनी बार मेरे डॉगीज यहाँ पर कैसे आ जाते हैं भाई इस बोट के अंदर। तुम लोगों को पानी से इतना ज्यादा प्यार क्यों है भाई? मैंने इतनी बार मना किया इनको कि भाई नहीं खेला करो इस इलाके पे, गलती से कभी तुम लोग नीचे घुस गए, पानी के भाई डूब के मर गए, तो भाई कौन रिस्पॉन्सिबल होगा है? तुम्हारी मौत मेरे सर पे आ जाएगी। यहाँ पे समझते नहीं है भाई ये दोनों के दोनों यार। मैंने आइंदा से वहाँ पर उस बोर्ड को लगाना ही नहीं है, फिर तुम लोग क्या करोगे है? चुपचाप से इधर आओ। पता नहीं कैसे हर एपिसोड की शुरुआत में मेरा कोई ना कोई डॉगी वहाँ पर बैठा होता है। खतरों के खिलाड़ी बनना इनके यहाँ पर बदतमीजों को। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पर सारे के सारे सेफ है गाइस। तो मैं तुम लोगों से कन्फेशन करना चाहता हूँ, मैंने गाइस कुछ किया है इस वर्ल्ड के अंदर ऑफलाइन जाकर, और वो एक ऐसी चीज है जिसको देखो तुम लोग सीरियसली बहुत इंप्रेस होने वाले हो। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक एम रख देते, जो कि पूरे के पूरे 150,000 लाइक्स इन 8 आवर्स, देखते कंप्लीट होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर तुम लोग नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, इट्स अ बिग नंबर फॉर मी। पहुंचा दो यार इसी मंथ के एंड तक एंड एंजॉय द वीडियो। जो कि गाइस यहां पे इस फर्नेस के अंदर पूरे के पूरे 15 नेदरराइट के स्क्रैप एंड ओवरऑल गाइस मेरे पास आ चुके हैं 16 नेदरराइट के स्क्रैप्स। तुम से बहुत लोग मुझे शक की निगाहों से देख रहे होगे कि भाई इसने क्रिएटिव का इस्तेमाल करा नेदरराइट के स्क्रैप निकालने के लिए, बट नहीं, ये सारा का सारा मैंने सर्वाइवल में एकदम मेहनत के साथ किया है गाइस, अपनी खुद की मेहनत के साथ। मैं बस उस चीज की वीडियो शूट नहीं करना चाहता रहा, बिकॉज पिछले 1-1.5 महीने के अंदर मैं एटलीस्ट 203 बार जा चुका नेदरराइट खोदने के लिए, एंड उस प्रोसेस को मैं बार बार रिपीट करके अपनी वीडियोस में एडिट नहीं करना चाहता हूँ। मेरा दिमाग फ्रीज हो जाता है एक ही चीज बार बार कर करके, भाई मैं नहीं कर सकता हूँ। प्योर मैंने अपने सर्वाइवल स्किल्स का इस्तेमाल किया इस चीज को निकालने के लिए। एंड तुम लोगों का याद तो होगा, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बहुत ही एपिक काम किया था। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बनाया था एक बहुत ही बड़ा गोल्ड वाला फार्म, जिसके अंदर से मुझे इतना ज्यादा गोल्ड मिला था। एंड इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले भी मैं वहां पर गया था, आई गेस मैक्स टू मैक्स मैं वहां पर 20 मिनट के लिए गया था। एंड देखो गाइस कितना सारा गोल्ड लेकर मैं आया हूँ। इतना ओपी एक्सपी फार्म बनाया था मैंने लास्ट टाइम पे, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। मैं तुम लोगों को दिखाता है गाइस कि इसके कितने ज्यादा फायदे हैं। देखो, सबसे पहले तो भाई हम लोग बहुत ही आसानी के साथ अपने नेदरराइट के स्क्रैप को कन्वर्ट कर सकते हैं नेदरराइट के इंगट्स में, जो कि पूरे के पूरे 4 है। और अगर इसको अपने डायमंड के आर्मर के ऊपर लगाना है तो भाई अपने को बनानी पड़ेगी एक स्मिथिंग टेबल। ऑलराइट, इसको रखेंगे यहाँ पे। पहले आएगा ये वाला, फिर आएगा ये वाला, फिर आएगा ये वाला, और फिर आएगी एंड पे टोपी हमारी। गाइस पूरा का पूरा खुद को हम लोगों ने कवर कर दिया है नेदरराइट के अंदर। यस, सेकंड थिंग गाइस, जो हमारे गोल्ड फार्म की जो बहुत ही बेस्ट बात है वो ये है कि हम लोग अपने लिए बना सकते हैं द मोस्ट प्रीमियम फूड, वो भी इतना सारा कि तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, लाइक लिटरली अनलिमिटेड। गोल्ड तो मेरे पास अनलिमिटेड है ही है, अब उसके लिए मुझे गाइस एक और चीज की जरूरत पड़ती है अनलिमिटेड, जो कि एप्पल्स। 7 तुम लोग ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहे होंगे, एंड उसके अलावा बाकी कहाँ से आने वाले हैं? ये खूबसूरत बंदा तुम लोगों को दिख रहा है, ये हम लोगों को देने वाला बाकी के एप्पल्स। मैंने इस बंदे को भी ऑलरेडी यहाँ पर तैयार करके रखा हुआ है कि ये मेरे को 1 एमराल्ड में 4 एप्पल देने वाला है, तो इससे मैं बहुत सारे एप्पल्स कभी भी निकाल सकता हूँ कभी भी जब मेरा मन चाहे। और इन सारे के सारे एप्पल्स को गाइस मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर सकता हूँ गोल्डन एप्पल्स में। ये देखो भाई ओवरऑल 29 आ चुके हैं। मेरे को अब ये फालतू की चीज खाने की जरूरत ही नहीं है भाई। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय। दिखियो मत मेरे को अब यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं यार। 16 कुक्ड मटन है यार, इतनी सारी शीप भेड़ बकरियों को मारा है मैंने यार, मतलब उनकी कुर्बानी को मैं वेस्ट कैसे जाने दे सकता हूँ ऐसे, है ना? ये लास्ट स्टैक है गाइस हमारा, इसके बाद मैं नहीं खाने वाला हूँ ये फालतू का सामान, सिर्फ गोल्डन एप्पल्स खाने वाले, बिकॉज हम लोग राजा है भाई इस वर्ल्ड के। और गाइस, तो फालतू की चीजें बहुत हो चुकी है, अब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि भाई असल में आज हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं। टाइटल थंबनेल देख के तुम लोगों को ऑलरेडी पता लग चुका है, आई नो गाइस। आज हम लोग बनाने वाले हैं अपने लिए एक आयरन फार्म। यस, अभी आयरन फार्म की जरूरत है गाइस, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो के लिए जो मेरे पास आइडिया है, या तो नेक्स्ट वीडियो या तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो, हम लोग एक बहुत ही मैसिव चीज बनाने वाले अपने इस वर्ल्ड में, जिसके लिए बहुत सारे आयरन की जरूरत पड़ने वाली है। तो मुझे लगा कि भाई अब उतना आयरन अगर मैं खोदने के लिए जाऊंगा तो भाई मेरे दिमाग की दही हो जाने वाली है, तो इससे बढ़िया है कि एक आयरन का फार्म ही बना दिया जाए। ओके, तो सबसे पहले इस आयरन फार्म को बनाने के लिए हमें चाहिए बहुत सारा सामान। एंड एक सेकंड, वहां पे रात हो रही है भाई। रात को मैं काम नहीं करता भाई, रात को मैं सोता हूँ, मैं सुबह उठ के काम करता हूँ। मुझे अभी कुछ आवाज सुनाई दी गाइस, मुझे कुछ तो सुनाई दिया यहाँ पर, कुछ चीज है मेरे घर के पास जो कि यहाँ पर बदसूरत आवाजें निकाल रही है। वाओ, एक और बंदा,
ये था वो बदसूरत जो आवाजें निकाल रहा था। एक सेकंड में वापस आ रहा हूँ। आई हैव अ प्लान। ओके, ये बंदा मेरे घर के नीचे कहाँ से आया? अगर मैंने इसको मारा और मेरे को यहाँ पर एक और ट्राइडेंट मिल गया ना गाइस, तो मैं लिटरली बहुत ज्यादा लकी महसूस करने वाला खुद को। ओके गाइस, मेरे पास एक बहुत ही मस्त चीज पड़ी है, तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे लूटिंग 3। ओ माई गॉड, इसमें लगेगी लूटिंग 3। एंड अभी लूटिंग 3 के साथ इसको मार के आते हैं। जय माता दी, प्लीज मेरे को ट्राइडेंट दे दियो भाई। अगर तू मुझे ट्राइडेंट दे देगा, आराम से सर जी। ओके, इस बंदे से अगर लड़ना है तो टोटम ऑफ अंडाई नीचे निकाल के शील्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आजा बेटे, तू मारेगा मेरे को, तू मेरे को मेरे घर के पास आके मारेगा। तुझे ऐसा लगता है कि तू डॉन है यहाँ का है और हम लोग तेरे चेले हैं? ये आपकी गलत फहमी है सर जी। मैं चाहूँ तो मैं आपको एक शॉट में मार सकता हूँ। दिया क्या इसने? क्या इसने दिया? इसने नहीं दिया। लूटिंग 3 के बावजूद इस बंदे ने ट्राइडेंट नहीं दिया यार। ओ कितनी गलत बात है ये। इतने सारे ट्राइडेंट यहाँ पर इसके पड़े हुए हैं, बट मैं ये उठा नहीं सकता हूँ। देखो यार, माइनक्राफ्ट के लॉजिक कितने खतरनाक है। इसको तोड़ूंगा तो यहाँ से नीचे जरूर जाएगा, पर ये मेरे हाथ में नहीं आएगा भाई। छोड़ो यार, अब ऐसे रोने का क्या फायदा? अपनी किस्मत में नहीं लिखा था तो भाई नहीं है यहाँ पे यार, क्या कर सकते हैं। गाइस मैं एक और चीज, रुको मैं तुम लोगों को बताता हूँ, एक सेकंड। यहाँ से मैं ना थोड़ी बहुत ये बुक्स वगैरह लेके चलने वाला, लेट्स गो। भाई ट्राइडेंट वाले बंदे को देखकर एक बहुत ही ओपी चीज मुझे याद आई है, जिसका इस्तेमाल आज हम लोग आयरन फार्म बनाते हुए डेफिनेटली कर सकते हैं, 100% करने वाला है। देखो यहाँ पर एक मैजिकल बंदा जो कि ये वाला है, ये तुम्हें को इन्फिनिटी दे रहा है, ये नहीं है वो, आई गेस ये वाला है। यस, ये बंदा मुझे रिपटाइड 2 दे रहा है, वो भी लिटरली एक एमरल्ड में। कैन यू गाइस बिलीव दिस? एक एमरल्ड में एक रिपटाइड, ये आई दूसरी, एंड दैट्स इट। कितने सस्ता ट्रेड देते हैं भाई ये लोग यार। मुझे तो कई बार यकीन नहीं होता ब्रो, हम लोग कितने ओपी अपने इस वर्ल्ड के अंदर यार। ब्रो मेरे को इतनी मैजिकल ट्रेड्स मिलते कि क्या ही बोलूं। देखो रिपटाइड 3 बन चुका है, अब इसमें मैं लगाने वाला हूँ रिपटाइड 3 को। व्हाट द हेल, लॉयल्टी 3 एंड रिपटाइड 3 को हम लोग एक साथ नहीं लगा सकते हैं। What the hell is this? Seriously, अगर उस बंदे ने मेरे को वो एक टायरेंट दे दिया होता ना, तो मैं उस पर यहाँ पर अलग से रिपटाइड 3 लगा सकता होता। ये भगवान, क्या घटिया किस्मत है मेरी। अब मैं रोऊं कि क्या करूं यार, मुझे रिपटाइड 3 चाहिए। रिपटाइड 3 सो कूल। लॉयल्टी 3 एंड मेंडिंग। देखो मेंडिंग की तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है गाइस, बिकॉज मेंडिंग की बुक ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई है, यहाँ पर 2-3 पड़ी हुई है। ऊपर से वो बंदा मेरे को 1 एमरल्ड में दे रहा है मेंडिंग की बुक, तो मेंडिंग की बुक की तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। एंड आई गेस लॉयल्टी की बुक कोई ना कोई बंदा मुझे दे ही देगा फ्यूचर में। ओके गाइस, अभी मैं यहाँ पर ना एक चीज बनाने वाला हूँ, दिल पर एक बहुत बड़ा पत्थर रख के मैं काम करने वाला हूँ। अभी मैं गाइस यहाँ पर अभी एक ग्राइंड स्टोन बनाने वाला हूँ। इस ग्राइंड स्टोन को मैं समवेयर अराउंड हेयर रखने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ इसको तोड़कर इधर कोने में रखा जाए। एंड गाइस मैं अपने जय भोले वाले ट्राइडेंट को डिसएन्चेंट करने वाला हूँ। बाय बाय लॉयल्टी एंड मेंडिंग, नहीं लगा दूंगा भाई। बट फिलहाल को मुझे जरूरत है गाइस रिपटाइड 3 लगाने की। मैं तुम लोगों को गाइस एक न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिखाने वाला हूँ। अभी तुम्हें से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट बहुत लोगों को पता नहीं भी होगा। ओके, यहाँ से उठाएंगे पानी को। एंड गाइस जस्ट चेक दिस आउट, अगर मैं इस पानी के बीच खड़ा हो जाऊं और अपने रिपटाइड 3 वाले ट्राइडेंट को मैं ऐसे करके मारूं, तो मैं सीधा ही हवा में उड़ जाऊंगा। ये और ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है आज के बिल्ड में, लाइक लिटरली ये सबसे बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ देखो सीधा ही ऊपर के लिए भाई साहब, और यहाँ से हम लोग MLG करके बच जाएंगे, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। और गाइस तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोसेस को। ओके, तो इसके लिए मुझे चाहिए बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स, और बहुत सारे से मेरा मतलब है गाइस बहुत सारे। मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे स्टोन ब्रिक्स का। ओके, सबसे पहले तो भाई एक बहुत ही मस्त वाली जगह ढूंढनी पड़ेगी इस आयरन फार्म के लिए। देखो इस आयरन फार्म की कुछ कंडीशन है गाइस, मैं चाहूँ तो इसको मैं जमीन के ऊपर भी बना सकता हूँ, लेकिन ये सारे हमारे स्पॉनेबल ब्लॉक्स है, तो अगर हम लोग इसको जमीन के ऊपर बनाएंगे तो इसकी जो परफॉर्मेंस का जो लेवल होगा ना वो कम हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम फायदा पहुंचाए हमको आयरन फार्म, मैक्स टू मैक्स यील्ड दे। तो इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा जमीन से ऊपर हवा की साइड के लिए, एटलीस्ट 20-22 ब्लॉक्स उतना काफी होगा मेरे हिसाब से। बट एक जगह ढूंढनी पड़ेगी, मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं अपने घर के आसपास इसको बनाऊं, थोड़ा सा दूर चलते हैं कहीं पर यार। ओ आई हैव अ ब्रिलियंट प्लान, ऐसा करते हैं ना भाई, सीधा ही इसको यहाँ पर जहाँ हमारा क्रीपर फार्म है ना उसी के बगल में यहाँ पर कहीं पर बना देते हैं। भाई सेंटर पे जाने टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, देखो सीधा चल के जाएंगे, अपने आप हमारा पाथ बन जाएगा यहाँ पर कहीं पर। ओके, मैं यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर। ये है 15, 16, 17, 18, 19, 20 ब्लॉक की हाइट पे आ चुके हैं, मेरे घर के पास भी है, और इसके आसपास नॉन स्पॉनेबल ब्लॉक सब, उस पानी के बीच में ज़ॉम्बी स्केलेटन्स वगैरह स्पॉन नहीं हो सकते हैं। बेस्ट है ना ब्रो? ओह माय गॉड, पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है यार, शिट यार। देखो गाइस, ये जो आयरन फार्म बनने वाला है ना, यहाँ के लिए मेरे को जरूरत पड़ने वाली है सिर्फ और सिर्फ एक
ऐसे प्राणी की जो मुझे बहुत ज्यादा तंग करने वाला है, जो कि विलेजर्स। मैं विलेजर्स को यहाँ ऊपर कैसे लेकर आऊंगा? ओके, मुझे वहां से यहाँ तक लेकर आना पड़ेगा इन विलेजर्स को। बहुत ज्यादा अनोइंग होने वाला है, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है एक्चुअली, बट एक बार ये लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो हो जाएगा काम। आई मीन मैं कर ही दूंगा यार कुछ ना कुछ करके, क्या टेंशन लेनी है इस चीज की। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूँ जहाँ पर हमारा पहला विलेजर जाएगा, जो कि ये वाली जगह। ओके, नो मैंने नीचे गिर गया। नहीं यार, लेट्स गो बैक, कोई टेंशन की बात ही नहीं है भाई साहब। ओह माय गॉड भाई, मेरे को ये रिप्टाइड वाला ट्रेंड बहुत ज्यादा पसंद है। ओके गाइस, तो देखो यहाँ पर तीन जगह पर हमारे आने वाले हैं तीन विलेजर्स, और जहाँ पर मैं सेंटर में खड़ा हूँ ना, यहाँ पर मेरे को एक बदसूरत से ज़ॉम्बी को लेकर आना पड़ेगा, जो कि हमारे इस पूरे मैकेनिज्म का मेन बंदा होने वाला है। ऑलराइट, इस प्लेटफॉर्म को बनाने के बाद मेरे को ना यहाँ पर अरे परे सिर्फ सिर्फ कुछ ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे जिससे मैं दीवारें खड़ी कर सकूं। एंड द बेस्ट थिंग इज कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँ ग्लासेस का, और यहाँ से मैं उड़ के जाने वाला भैया मेरे घर के लिए। ओके, सेंटर में एक ब्लॉक, आसपास लगाएंगे हम लोग ग्लासेस, चार ग्लासेस, ताकि हमारा जो ज़ॉम्बी होने वाला अपनी तशरीफ को यहाँ पर नीचे बैठा सके आराम से। ओके, और जो हमारे विलेजर्स वाली जगह है ना गाइस, यहाँ पर भी मैं ग्लासेस लगाने वाला हूँ हर जगह पे, चारों डायरेक्शन में, समथिंग लाइक दिस। ओके गाइस, तो फर्स्ट लेयर हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, तुम लोगों को दिख रहा होगा भाई एकदम मस्त बन रहा है भाई ये। यहाँ पे रात होगी, मुझे सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए अभी पता नहीं यार, और ओवरऑल मैं इसको यहाँ पे तीन लेयर ऊपर लेके जाने वाला हूँ। और इसी के साथ हमारी ये वाली लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है, एंड अब बारी आ चुकी है गाइस द मोस्ट अनोइंग पार्ट की, विलेजर्स एंड ज़ॉम्बीज को यहाँ तक लेके आने के लिए। ओह हो, क्या करूं मैं भाई, मेरे को तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है। ओके, अभी देखो गाइस, यहाँ से वहां तक अगर एक ज़ॉम्बी है तीन विलेजर्स को लेके जाना, तो कितनी सारी रेल ट्रैक्स की जरूरत पड़ने वाले तुम लोग अभी इमेजिन कर सकते हो। उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही मस्त जुगाड़ है, मैं तुम लोग को बताता हूँ। हम लोग यहाँ पे अनलिमिटेड रेल्स बना सकते हैं बहुत ही फेमस ग्लिच के जरिए गाइस, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, टेंशन नहीं लेनी। ऐसा है कि ये जो हमारा ऑब्जर्वर है, ये देखेगा किसकी आंखों के सामने यहाँ पर पावर्ड रेल लगी हुई है और एक सिंपल वाली रेल लगी हुई है। तो जब हम लोग इस लीवर को ऑन करेंगे तो आगे पीछे होगा, और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, और इसको ये एक एक रेल्स बहुत ज्यादा दिखेगी, जिससे क्या होगा इनको डुप्लीकेट करता रहेगा। एंड दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस ब्रिलियंट मशीन। देखो यहाँ पे बड़ी गड़बड़ होगी भाई, ये तो आगे के लिए फेंक रहा है यार, ऐसा मुझे नहीं करना था एक्चुअली, पर कोई बात नहीं। चलो मैं ऐसा करता हूँ, दो या तीन स्टैक्स यहाँ से निकाल देता हूँ, और फिर अबे 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 नीचे जा रहे हैं ये भाई। हेलो, नहीं यार ये तो गलत हो गया यार, मुझे पानी के बीच तैरिए मार मार को उठाना पड़ रहा है इनको यार, ये कौन सी सेंस बनती है। कोई बात नहीं, अभी आ रहा है भाई तो उठाते रहो। ओके, आई हैव अ प्लान, मैं बेवकूफ क्या यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ ना ऐसे करके, ताकि सारा का सारा माल इधर ही गिरता रहे एंड मैं इसको उठा सकूं। देखो भाई कितना पिक लग रहा है, अपने आप मेरे साथ तैरते हुए आ रहे हैं। ओह माय गॉड, ये कितना एपिक लग रहा है यार सीरियसली। ओके भाई, इसको बंद करो, फटाफट बंद करो भाई, काफी इतना बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुका है भाई मेरा ये समुद्र। यहाँ देखो नीचे कितनी सारी रेस पड़ी हुई है भाई, मछलियां मर जाएगी यार, इतना प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए मेरे को। अब अपने आप ये डिस्पॉन होते रहेंगे भाई, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे सोने के लिए एक बार। लेट्स गो विद एपिक एंट्री। ओह माय गॉड, ये क्लच मेरा फेल हुआ बिकॉज यहाँ पर ये पानी कन्वर्ट हो गया उसमें यार, बट दैट वाज नाइस एक्चुअली। खोलेंगे इसको। हाँ, नल्ला बदसूरत जी, टेंशन किस बात की ले रहे हो आप, अब आप कभी भी यहाँ से डिस्पॉन नहीं होंगे। ये है। ओके ब्रो, अब इसको मैं बाद में तोड़ दूंगा, कोई चक्कर नहीं है, अब बस अपने को यहाँ पर प्लेटफॉर्म का काम करना है। बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। नो गाइस, सामान तो मैं सारा का सारा निकाल चुका, बट एक चीज है जिसकी मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। अभी देखो, मैंडने की बुक नीचे निकालो, एंड अपने रिपटाइड वाले के ऊपर भैया मैंडिंग लगाने की जरूरत है, बिकॉज जैसे मैं हवा में शुई करके उड़ उड़ के भाई इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेक करने वाला हूँ, ये टूट जाने वाला है, और अगर एक बार ये टूट गया ना भाई मेरे को बड़ा दुख हो जाने वाला है। ओके, अभी गाइस अपन लोग एकदम तैयार शुई मार के यहाँ से ऊपर चलने के लिए फिर से। ओके लेट्स गो पाइसाब। ये है। ओके गाइस, समय आ चुका है यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाने का। तो देखो भैया जी प्लेटफॉर्म कैसा बनेगा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, पूरे के पूरे 7 ब्लॉक्स यहाँ से आगे के लिए जाने वाले हम लोग, जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 एंड एग्जैक्टली 7 इस साइड के लिए जाने वाले हैं। तो दो ये हो चुके हैं, 3 4 5 6 7 दैट्स इट। अब यहाँ से इसको हमने जोड़ना है और इसको यहाँ से ऐसा करके कंप्लीट करना है, सब कुछ यहाँ से कवर हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि जो हमारा इस विलेजर के ऊपर जो छत नहीं है ना वो भी कवर हो जाएगी। एंड भैया जी बाय बाय। और अभी इसको ना मैं यहाँ पे डबल करने वाला। अब देखो गाइस, जो हमारा ये वाला प्लेटफॉर्म है ना, अगर तुम लोग गौर से देखोगे तो इस प्लेटफॉर्म के अलावा इस पूरे इलाके में एक भी जगह ऐसी मैंने छोड़ी नहीं है जहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर या फिर कुछ भी स्पॉन हो सके, सिर्फ यहाँ पर स्पॉन हो सकता है, उसके अलावा आसपास कहीं पर भी कोई भी चीज स्पॉन नहीं हो सकती, बिकॉज इस फार्म के आसपास सिर्फ उसे पानी है, तो बेस्ट काम करेगा पानी के ऊपर। एंड यहाँ पर मैं ये लगाने वाला हूँ स्टेज को, समथिंग लाइक दिस, एंड इस
इसके नीचे भी मैं यहाँ पर एग्जैक्टली वही करने वाला हूँ, ब्लॉक्स लगाने वाला हूँ। और इस पूरी की पूरी जगह को भी मैं ऐसे करके यहाँ पर ब्लॉक से फिल करने वाला हूँ, समथिंग लाइक दिस। और जो हमारी एक ही वाली लेयर है गाइस, यहाँ पर हम लोग ना स्टेज लगाने वाले हैं ऐसे करके। अब देखो ये हमने क्यों किया यहाँ पर, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि इस आयरन फार्म पे जो हमारे आयरन गोलम है ना, वो यहाँ पर स्पॉन हो इस वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड हम लोग यहाँ पर पानी को डालेंगे, पानी का फ्लो कुछ इस तरीके से आएगा इधर के लिए, ताकि हमारा आयरन गोलम आराम से यहाँ से नीचे पहुंच सके। यहाँ से जो पानी का फ्लो आएगा वो यहाँ से हमारा आयरन गोलम को इधर के लिए लेकर जाएगा। तो जो हमारा किलिंग चेम्बर होने वाला है गाइस, वो इस डायरेक्शन में नीचे के लिए होने वाला है। अभी तुम लोगों को लग जाएगा थोड़ी देर में पता। भैया स्टोन कटर नीचे निकालो यार एक बारी। और इधर मैं अभी बहुत सारी वॉल्स बनाने वाला हूँ, बहुत सारी से मेरा मतलब है बहुत ही सारी। इधर से मैंने क्या करना है गाइस, बाहर होके मैं यहाँ पर ये लगाने वाला हूँ, बिकॉज सम टाइम अगर गलती से यहाँ पर आयरन गोलम स्टक हो गया ना भैया, तो वो यहाँ से बाहर गिर जाएगा नीचे पानी के बीच, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। भाई कुछ भी हो जाए, आयरन गोलम पानी के बीच नहीं जाना चाहिए। ओके गाइस, प्लेटफॉर्म हमारा तैयार हो चुका है। नाइस, इतना काफी है, मजा आएगा। मुझे लग रहा है बहुत ही मस्त वाला काम करने वाला है। अभी यहाँ पर मेरे को बहुत ही दिमाग का काम करना है। पहले तो पानी नीचे डालने वाला हूँ, ताकि मैं आराम से यहाँ से बाहर जा सकूँ। कोई बात नहीं, लेट्स गो ऊपर। और इधर अपने को लगाने के कुछ ब्लॉक्स ऐसे करके। नाइस, 1 2 3। एंड अब यहाँ पर मुझे ना चेस्ट बनानी है। एक्चुअली डबल चेस्ट आ चुकी है, और डबल चेस्ट को मैं यहाँ पर एंड में जाके लगाने वाला हूँ, समथिंग लाइक दिस। यस ओके, यहाँ पर अभी बहुत सारी चेस्ट बनाने वाला हूँ। और मैं अपने साथ आयरन लेकर नहीं आया यार, मैं लेकर आता हूँ फटाफट कसम से। ओके, पूरे 9 हॉपर्स आ चुके हैं, दैट इज इनफ। अब देखो गाइस, ये जो हमारी चेस्ट है ना, अब मैं एक तो ये एक्स्ट्रा पानी लेकर आ गया यार, कैसा अजीब आदमी हूँ मैं। अब देखो जो हमारी ये चेस्ट है ना, ये हमारी मेन कलेक्टिंग चेस्ट होने वाली है गाइस, मतलब इसके अंदर हमारा सारा का सारा माल जाने वाला है। तो यहाँ पर हम लोगों को कनेक्ट करना है हॉपर को, अगर मैं कर पाया। आई गेस मैं यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। नाइस, अब इन सारे के सारे हॉपर्स को मैं ऐसे करके लगाने वाला, ओवरऑल 9 हॉपर्स जो कि सारे एक दूसरे के अंदर जा रहे हैं, एंड वो सारे के सारे इस चेस्ट के अंदर जा रहे हैं। मतलब अगर मान लो, देखो मैंने एक यहाँ छोड़ा, एक वहाँ छोड़ा, एक वहाँ छोड़ा, एक यहाँ छोड़ा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक वहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 9 के 9 यहाँ पहुंच जाने चाहिए। नाइस, देखा काम कर रही। अब ये साला मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तुम लोगों को पता है, ये नीचे जो ये मुझे मारना चाहता है एक्चुअली। आ जा ऊपर, ऊपर 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 आ, तू ऊपर आ, तू है बदसूरत, ऊपर आ, ऊपर आ, चल है दम तेरे अंदर, बदसूरत कहीं का काम कर रहे थे मेरे को, निकल ऐसे पकौड़े, फालतू में हीरो बना हुआ है, देखो जरा है, नहाने से तेरे को एलर्जी और तू मुझे मारने चला है। ओके, तो अगली चीज गाइस जो यहाँ पर अभी हम लोग करने वाले हैं, वो है इसके आसपास, इन हॉपर्स के आसपास एक पूरा का पूरा प्रोटेक्टिव घेर बनाना ऐसे करके। और ये पूरा का पूरा यहाँ से बाहर निकाल कर यूं करके कनेक्ट करने वाला हूँ मैं। भाई ये डिजाइन जब कंप्लीट होगा ना गाइस, क्या लगेगा ब्रो, ये क्या लगेगा, मजा आने वाला है गाइस, मजा इसको देखकर। यस, अब मैं सोच रहा हूँ, एक सेकंड, मुझे यहाँ से पहले तो ऊपर जाना पड़ेगा, मेरी क्राफ्टिंग टेबल ऊपर आ चुकी है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे ये है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से मैं ये ग्लास पेन्स बनाता हूँ। मैं एक्चुअली भूल चुका हूँ ऐसे करके बनता है। ठीक है भाई, 16 इज इनफ, नॉट 16 इज नॉट इनफ, 32 इज इनफ, ऐसा करके लगा देंगे बच्चों हर जगह पर ये। यस ऐसे करके, यहाँ देखो गाइस तैयार हो चुका है। अब बस अपने को यहाँ पर एक वो किलिंग मैकेनिज्म बनाना, दैट्स इट। ओके, कुछ सामान की कमी पड़ चुकी है, तो इसके लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा एक बार यार। ऑलराइट, ओवरऑल मुझे चाहिए 12 ओक के साइंस। अब देखो गाइस, जो हमारे साइंस होते हैं ना माइनक्राफ्ट के, बड़े ही ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं। अगर मैं इनको ऐसे करके यहाँ पर प्लेस कर दूं एक के आगे एक, 3 को, अब अगर मैं यहाँ पर पानी को डालूंगा ना इस कोने में, तो यहाँ से नीचे पानी नहीं जाएगा हमारा। लेट्स सी, पहले मैं इस थ्योरी को टेस्ट करने वाला हूँ। ओह यस, देखो उस कोने का जो पानी यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा ना पक्का, एक बार ढंग से देख लेते हैं। यस, नहीं जा रहा, बिकॉज यहाँ से नीचे गाइस अपने को अभी लावा लगाना है, तो उसके लिए भैया अपने को पहले ये चीज टेस्ट करनी मांगती थी। ओके, लेट्स गो डाउन और निकालेंगे अपने जय भोले वाले ट्राइडेंट को सीधा ही भैया यहाँ से अंदर। यस ओके, व्हाट द हेल, ये तो यहाँ पर गड़बड़ नहीं हो चुकी है। ओके, मैंने गलत बायोम पे बना दिया गाइस, यहाँ पर तो भाई मेरा पानी ही बार बार जमता रहेगा, व्हाट द हेल। ओके, इसको शायद से पिघालने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, और ये पिघल जाएगा। यस, देखो पिघल रहा है। ओ ये पिघल रहा है, मतलब मेरी टॉर्च काम कर जाएगी। यहाँ पर मैं हर जगह पर टॉर्च लगा दूंगा। ओके, कोई बात नहीं, मैं एक्चुअली गाइस अभी डर गया था यार। ओके, यहाँ पर इन्फिनिट वाटर सोर्स बन चुका है। भाई तू एक बार यहाँ पर बंद हो जा, ऐसी हरकत मत कर प्लीज। अब मैं इसको तोड़ने वाला हूँ, और मैं इसको भी तोड़ने वाला हूँ। ओके गाइस, मे बी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस इलाके पे, इस फार्म को बना के।
बिकॉज ये है गाइस हमारा कोल्ड ओशन, तुम लोग देख सकते हो। ओ माई गॉड, आई हैव नो आइडिया। देखो बार बार ये यहाँ पर कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन पानी में भी बार बार कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स ये काम करेगा, वो भी अच्छे तरीके से काम करेगा। देखो एटलीस्ट इस साइड के लिए तो गाइज यहाँ पर जो हमारा पानी है वो इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है। दैट इज अ गुड थिंग एक्चुअली। ओके गाइज, देखो हर जगह पर मैंने ये तो लगा दिया है, अभी भी ये बार बार कन्वर्ट हो रहा है, बट बार बार ये टूट भी रहा है। इससे मुझे लगता नहीं कि कोई फर्क पड़ेगा हमारे आयरन गोलम के मोशन पे। ओके यहाँ से हम लोग जाएंगे आगे के लिए हमारे आयरन गोलम, और सीधा यहाँ से वो पट दे के नीचे गिर जाएगा। यस, दिस इज व्हाट वी वांट। और अब बस गाइज यहाँ पर ही मेरे को ऐसे ही करके ये लगाने हैं, और इनके आगे भी लगाने हैं ऐसे करके, और इनके आगे भी लगाने हैं ऐसे करके। हो गया काम, दैट्स इट। देखो यहाँ पे हो गया हमारा काम। अब बस इसको तोड़ के यहाँ से बाहर निकलने दो मेरे को एक बार यार, कसम से। ऑल राइट, यहाँ से भर लिया है पानी को, एंड हमारे जय भोले के साथ लेट्स गो। यस ओके गाइस, अब एक आखिरी काम बचता है जो कि है लावा की बकेट का। अब एकदम ही सही जगह पर मेरे को लावा की बकेट डालनी पड़ेगी। शिफ्ट दबा के रखो, यहाँ से नीचे नहीं गिरना है, और यहाँ पर जो हमारा सेंटर है बस यहाँ पर लावा को डाल देना है। दैट्स इट, काम हो गया हमारा। और बस अभी आराम से बाहर निकल यार, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, प्लीज प्लीज प्लीज। अभी अंदर गलती से भी लावा के बीच नहीं घुसना है। ओके गाइस, हमारा काम हो चुका है, दैट्स इट। देखो वहां पर भी ये जम रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके ये पिघल जाएगा। ओके मैं बहुत बार ये लाइन रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज मुझे डर लग रहा है कि मेरा पूरा का पूरा प्लान यहाँ पर फेल हो सकता है आयरन फार्म का, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि यहाँ पर ये पानी बार बार जम रहा है। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है एक्चुअली यार। मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों होता है यार, कसम से। ओके गाइस, अब यहाँ पे टेस्ट करने का समय आ चुका है। अब देखो अभी फिलहाल को हमारे विलेजर्स डर नहीं रहे इससे, बिकॉज विलेजर और इसके बीच में ये वाली हमारा एक ग्लास है, तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो यहाँ से इसको डायरेक्ट देख सकता। अबे मेरा वो वाला विलेजर तो उस माइनकार्ट के अंदर बैठा हुआ है। हे भगवान, इसको मैं आजाद करना भूल गया भाई जी, सॉरी सर, ये मेरी गलती है एक्चुअली, दैट वाज माय मिस्टेक सर जी। ओ माय गॉड भाई, ये एक विलेजर डर रहा था इससे सिर्फ, और ये ऑलरेडी यहाँ पर आ भी गया। ओ माय गॉड, ये काम कर रहा है, वेरी वेरी नाइस। अब देखो अब इस वाले का जो ये वाला जो हमारा व्यू ब्लॉक हो रहा है ना, मेरे को ग्लासेस की जरूरत ही नहीं ब्रो, मैं इसको भी तोड़ेगा। इसको तोड़ूंगा तो ये भी डरेगा, यह डरना स्टार्ट कर चुका है। हाय 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 हाय, मजा आएगा ब्रो, मजा आएगा। यहाँ से जाएंगे ऊपर के लिए। ओके नाउ लेट्स गो टू द अदर साइड। जो हमारा तीसरा बंदा है ना गाइस, उसको भी डराने का समय आ चुका है। ओके बहुत ही तगड़ी जंप थी ये वाली। यहाँ से मेरे को तोड़ने का है ये वाला, अब ये भी डरेगा। बाय बाय सर, बाय बाय। ओ भाई एक और जल रहा है, एक और जल रहा है आयरन गोलम, आवाज सुनाई दे रही तुम लोगों को। अबे यार मैं नीचे गिर गया कसम से, ये तो काम करना स्टार्ट भी कर चुका ब्रो, दिस इज एपिक यार, लाइक लिटरली ब्रो। बस अब जो मैंने ये फालतू की इतनी कंस्ट्रक्शन करी है ना रे परे वाली, सिर्फ ये तोड़ना है मैंने। ओ माय गॉड, वहां पे देखो एक और जल रहा है गाइस। क्या काम कर रहा है ब्रो, क्या काम कर रहा है। ओके मैं बस अपनी आंखों के सामने एक बार उसको स्पॉन होता देखना चाहता हूँ, बस एक बार, इतनी छोटी सी ख्वाहिश है मेरी। थोड़ा ऐसे ऊपर चलते हैं, अब देखते हैं दिख जाएगा। देखो ये लोग नीचे गाइस डर रहे हैं, एक्चुअली बहुत ज्यादा डर रहे हैं, इतना ज्यादा डर रहे हैं कि एक आयरन गोलम वहां पे स्पॉन हो जाएगा। एंड मैंने गलती कर दी है, वहां पर देखो एक स्पॉनेबल ब्लॉक मैंने साइड के लिए बनाया हुआ है, दैट इज माय मिस्टेक। देखो वहां पे भाई तेरे को तो मैं ही मारने वाला, सॉरी। पीछे ही पड़ गया भाई, ये तो हद्दी होगी भाई, कहाँ गया, नीचे घुस गया पानी के बीच। चलो बढ़िया है। ओह माय गॉड, हाउ जी अपने गोल्डन एप्पल्स को फटाफट, और ये वाले प्लेटफॉर्म हो चुका है गाइस। अब मैं अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ यहाँ पर इसको स्पॉन होते हुए। हो जाओ स्पॉन, कम ऑन। ए देखो हो गया ना आंखों के सामने स्पॉन गाइस। ये आयरन गोलम फार्म गाइस लिटरली बहुत ही तगड़ा काम करने वाला, आई स्वेयर मजा आएगा ब्रो। और गाइस ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट उससे ऊपर नहीं हुआ टाइम। अभी देखा एक और अंदर मर रहा है, एंड ओवरऑल देखो इन्होंने मुझे इतने सारे आयरन के दिए, और ऊपर ओवरऑल 30 पॉपीज भी देगा इन लोगों ने मेरे को। देखो यहाँ पे 15 मिनट में ऑलमोस्ट 3 स्टैक्स होने वाले, 21 ऑलरेडी पड़े हुए थे, तो 3 स्टैक्स से तो ऊपर ही हो चुका मेरे पास आयरन गाइस। लिटरली 15 मिनट के अंदर अंदर 3 स्टैक्स आयरन के, कैन यू इमेजिन कि मैं ऐसे कितना आयरन निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड का जो मेरा प्लान है ना, वो बहुत ही एपिक होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। अब तो मेरे पास आयरन की कमी नहीं होने वाली यार, बहुत खुशी हो रही है लाइक लिटरली। एंड देखो तुम लोगों से बात ही करता हूँ, ऊपर एक और आयरन गोलम यहाँ पे स्पॉन हो चुका है। इस आयरन फार्म की जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा है। व्हाई? द रीजन इज कि आस पास कोई भी स्पॉनेबल ब्लॉक नहीं है। अगर तुम लोग बनाओगे तुम लोग भी इस चीज का जरूर ध्यान रखना, और इतना ही ओपी होगा तुम लोगों का आयरन फार्म भी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को वीडियो कैसी लगी।